रूहानियत का असल उसूल यह है कि अगर आदमी के अंदर शक होगा, अगर आदमी के अंदर शक होगा, वो गैब की दुनिया में कभी दाखिल नहीं हो सकता। शक से मुराद ये नहीं है कि मतलब कीजिए अगर आप मेरा घर में चोरी हो जाएगी तो मुझे एहतियात के लिए एक सिपाही रख दूँ या कोई ताला लगा दूँ घर में, कुंडी लगा दूँ, ये शक नहीं है, इसको एहतियात कहते हैं। एहतियात बिल्कुल अलग चीज़ है, शक बिल्कुल अलग चीज़ है। पुराने फार्मूले के मुताबिक कोई आदमी उस वक्त तक रूहानी नहीं हो सकता जब तक के उसके अंदर शक हो। अब माशाल्लाह हम यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, हर आदमी जरा अपने आप को टटोले कि उसके अंदर यकीन कितना है, शक कितना है। देखें जरा गौर करें एक मिनट के लिए, मुझे तो सब, मैं भी उसमें शामिल हूँ, आपका भाई हूँ, शक के अलावा यकीन का कहीं कुछ इशारा भी नहीं। हर आदमी शक की जिंदगी गुजारता है। मुस्तकबिल का खौफ क्या है, ये भी शक है। नुकसान का खौफ, ये भी शक है। महूब उम्मीदें, ये भी शक है। ये बात तय हो गई, अब लोगों की समझ में आ गई कि बे यकीन आदमी, इस आदमी के अंदर शक होगा, वो रूहानियत हासिल नहीं कर सकता। क्यों भाई, ये बात समझ में आ गई? और वजाहत करें जी, सब बोले एक साथ। बात ये समझ में आ गई कि शक जिस आदमी के अंदर होगा वो रूहानी आदमी नहीं बन सकता। दुनिया में वो कुछ भी बन जाए, आलिम फाजिल बन जाए, पीएचडी बन जाए, कुछ भी बन जाए, बहरहाल वो रूहानी नहीं होता। तमाम अंबिया जितने तशरीफ लाए उन्होंने इसी बात की तलकीन की है कि इंसान के अंदर से यकीन निकल जाए, वो यकीन निकल जाए तो वो अल्लाह की इरफान से महरूम हो जाता है। और जब इंसान के अंदर यकीन शामिल हो जाता है उसकी ज़िंदगी में तो वो अल्लाह की सिफात का आरिफ बन जाता है। अब इसको हम इस मसले को कैसे हल करें कि शक से निकल के और यकीन के पैटर्न में दाखिल हो जाए। हमारी ज़िंदगी का ये मुशाहदा है कि जब हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हमारी अल्लाह ताला हमें औलाद अता फरमाता है, ये सारे काम महज जिस्मानी वजूद के नहीं हैं। जिस्मानी वजूद एक तरह से एक मीडियम का काम करता है। उसकी मिसाल मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि दुनिया की तारीख में एक भी मिसाल ऐसी नहीं है कि किसी मुर्दा माँ ने बच्चा जन्म दिया हो। पूरी तारीख इंसानी में एक मिसाल ऐसी नहीं है कि किसी मुर्दा आदमी ने खाना खाया हो। पूरी तारीख इंसानी में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि किसी मुर्दा जिस्म ने सोचा हो, कुछ लिखा हो, कोई तकरीर की हो। पूरी इंसानी तारीख में ऐसी भी कोई मिसाल नहीं मिलती कि मुर्दा आदमी ने कार चलाई हो, जहाज चलाई हो, पैदल चला हो। इस जिंदगी के जितनी भी हरकत व सकनात हैं, जब आप उनके ऊपर गौर करेंगे तो आपको एक ही बात नजर आएगी कि जिस्मानी वजूद की अपनी जात की कोई हरकत बिल्कुल नहीं। रूह जब चाहती है जिसम हरकत करता है, रूह नहीं चाहती जिसम हरकत नहीं करता। अब ये ऐसी बात है कि अगर हम अपनी जिंदगी का मुआजना करें, पैदाइश से लेके मरने तक की जिंदगी का मुहासबा करें, अपना मुहासबा करें, एहतसाब करें, तो हमारे यकीन में ये बात शामिल हो जाएगी
कि जिस्मानी वजूद जैसी कोई हैसियत नहीं। हैसियत किसकी है? रूह की हैसियत। जब आपके जहन में जिस्मानी वजूद की हैसियत खत्म हो जाएगी और रूहानी वजूद की हैसियत कायम होगी तो लामाला रूह आपके सामने आ जाएगी। रूह नूर के अलावा कुछ नहीं है और रूह गैब के अलावा कुछ नहीं। मतलब हम यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं तो जब हम ये तस्करा करते हैं कि हम जिंदा हैं तो दरअसल हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमारे अंदर जो रूह है, जो गैब है, उस गैब ने हमें जिंदा रखा। इसलिए कि रूह तो हमें नजर नहीं आती और जब वो गैब इस जिस्म से रिश्ता तोड़ लेता है तो जिस्म की कोई अपनी हैसियत बरकरार नहीं रहती। तो अब इस बात को आप बड़े गौर से सुने कि जिंदगी में कोई एक हरकत आपने लाखों लाखों हरकतें की हैं, कोई एक हरकत ऐसी तलाश करें जो हरकत आपने रूह के बगैर की हो, उसमें सोना, जागना, चलना, फिरना, कारोबार करना, सोचना, अकलमंद होना, बेवकूफ होना, पागल होना, कोई बात ऐसी भाई निकलती है? नहीं, जितने लोग समझ गए वो हाँ या नहीं करें तो दो 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 आदमी ने कहा नहीं, तो इसका मतलब है ये बात। मैं आपको इस तरह तकरीर, आज तकरीर वकरीर करने का मेरा मूड नहीं, तो दिल मेरी ख़राब है, तो मैं ये चाह रहा हूँ बातें करें हम, आप एक दूसरे से बातें करें और बातों में से कुछ निकालें। आप ये बताएं कि पूरी जिंदगी में अगर 1 करोड़ हरकत और सकनात हैं, किसी बंदे ने उस 1 करोड़ हरकत और सकनात में एक हरकत रूह के बगैर की है, तो सीधी सी बात है, फिर ये जिस्मानी वजूद जो है इसकी ऐसे सानगी है। असल जिंदगी, असल लाइफ, असल हयात, असल तवानाई, एनर्जी, उसका कुछ भी नाम है, वो रूह है, सिर्फ रूह है। जब आप रूह को तलाश कर लेंगे तो रूह गायब है, इसलिए कि हमें तो नजर नहीं आ रही, लेकिन ऐसा गायब है कि इसको अगर तलाश किया जाए तो वो नजर आ जाता है। रूह के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी जान का हिस्सा है, वो नफ़क़्त होती है भी मेरे जान में से जान डाल दी, फूंक मार दी। तो जब कोई बंदा अपने रूह से वाकिफ हो गया तो किस चीज से वाकिफ हुआ? अल्लाह की जान से वाकिफ हो गया। जब अल्लाह की जान से वाकिफ हो गया तो अल्लाह से वाकिफ हो गया। ये जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए इस दुनिया में, जितने अंबिया तशरीफ लाए इस दुनिया में, उनका जो फरमान है, इरशाद है, तबलीग है, मिशन है, वो यही है कि जिस्म मादी जिस्म से रूह के ताबे है, रूह मादी जिस्म के ताबे नहीं है। ये बात तय हो गई। अब ये सोचना है कि जब बच्चा पैदा हुआ उस वक्त तो मादी वजूद से वो वाकिफ नहीं था, उसे पता ही कुछ नहीं था कि मैं क्या हूं। आहिस्ता आहिस्ता वो मादी वजूद से वाकिफ होता चला गया। जब बच्चा इस दुनिया में आया तो ब्लैंक था। सब कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग में ना कोई सूरत होती है, ना कोई नक्श होता है, ना कोई तहरीर होती है, ना कोई जुबान होती है, ब्लैंक होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि बच्चा जब पैदा होता है दीन फितरत में पैदा होता है और वालिदैन उसे ये हिंदू, मुसलमान, यहूदी, नसारा कर देते हैं, तो बच्चा ब्लैंक होता है। अब उस ब्लैंक या दिमाग के इस हिस्से को अगर आप शऊर का नाम दे दें तो इसके मतलब है बच्चे के अंदर शऊर होता ही नहीं है। जब वो बच्चा पैदा होता है, जब वो आवाज़ सुनता है, जब वो आँख खोल के इस माहौल को देखता है,
जब वो अपने अजीजों को पहचानता है उस वक्त उसके अंदर शऊर की दाग बेर पड़ती है।